फ्रेंड्स, बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये वाला डोरमेट डिजाइन शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है और 2 कलर की मैंने ये चुन्नी की पट्टी काटी हुई है। आप इसे पुरानी साड़ी चुन्नी या मैक्रम या ऊन को डबल करके भी बना सकते हैं। तो 9 नंबर की सिलाई ली है और 3 के मल्टीपल से फ्रेंड्स फंदे डालने। तो मैंने यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 3 के मल्टीपल से 21 फंदे डाले हैं। तो आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, 3 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं। और फंदे डालने के बाद जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया है वैसे ही यहाँ से मैं आपको शुरू करके बताऊंगी। तो फंदे डालने के बाद उल्टी सिलाई से यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा। इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि उल्टा किधर है, लेकिन अगर आप अलग अलग कलर से बनाओगे तो उल्टा साइड ये वाला उल्टा साइड है। तो यहाँ एक फंदा पहले बढ़ाना है, ऐसे धागे इस कपड़े को पट्टी को ऐसे लपेटना है। तो ये पट्टी मेरी यहाँ खत्म हो गई, तो मैं यहाँ दूसरी पट्टी जोड़ रही हूँ। तो पट्टी को ऐसे इसके अंदर ऐसे रख के ऐसे रखना है और ऐसे इसको ऐसे रोल कर देना है, ऐसे लपेट लेना है। यहाँ इसका जॉइंट अच्छे से हो जाता है। तो एक फंदा ये बढ़ाया और ये एक फंदा ये हो गया, तो 2 फंदे ये हो गए, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 फंदे बनाए और 3 फंदे यहाँ छोड़ दिए। तो यहाँ एक फंदा बढ़ाना है, इधर 3 फंदे छोड़ने और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। इस साइड हमें कुछ नहीं करना है, हर बार उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं और सिंगल कलर से भी बना सकते हैं, डबल कलर से भी बना सकते हैं। फिर यहाँ इस साइड एक फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे पट्टी को ऐसे लपेटेंगे और आगे लाके बाकी फंदे उल्टे बना देंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 फंदे बनाए, 3 फंदे फिर छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। फिर से यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे पट्टी को ऐसे धार सिलाई में लपेट के एक फंदा बढ़ाए, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे पट्टी को ऐसे लपेटा, 11, 12, 13, 14, 15
15 फंदे बनाए, 3 फंदे फिर छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। फिर से यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 फंदे बनाए, फिर 3 फंदे छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के सिलाई को मैं उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह फ्रेंड्स, इधर से एक एक फंदा बढ़ाते हुए और इधर से 3-3 फंदे ऐसे छोड़ते हुए लास्ट तक फंदे छोड़ने हैं। जो फंदे हमारे बढ़ेंगे उन्हें भी हमें 3-3 करके छोड़ते जाना है। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ 3 फंदे बच जाएंगे। तो 3 फंदों तक मैं ये सारे फंदे इधर छोड़ लेती हूँ और यहाँ फंदे एक एक करके बढ़ा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे 3-3 फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक मैंने सारे फंदे छोड़ लिए। अब ये 3 फंदे बचे हैं, इन्हें ऐसे ही रहन देंगे, इन्हें नहीं छोड़ना क्योंकि इधर हमारे पास फंदे नहीं बचे हैं। तो इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार 3-3 फंदे छोड़ लिए हैं और 21 फंदे डाले थे हमने, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 21 फंदे डाले थे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे ये बढ़े हुए हैं। तो 9 बार हमने 3-3 फंदे छोड़े तो हमारे यहाँ 9 फंदे बढ़ गए। अब हमें क्या करना है, इन 3 फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे। ये आधी कली यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो आधी कली में हम क्या कर रहे थे, इधर फंदे बढ़ा रहे थे एक एक करके और इधर 3-3 फंदे यहाँ तक छोड़ते जा रहे थे। अब हमें क्या करना है, जो फंदे हमने बढ़ाए हैं एक एक करके हमें इधर घटाते जाना है और जो 3-3 फंदे हमने छोड़े हैं इधर 3-3 फंदे इधर लेते जाने हैं। पहले हम फंदे बढ़ा रहे थे, अब यहाँ फंदे घटाएंगे। तो एक फंदा ये हो गया, ये 2, अब 3-3 फंदे हमने इधर से लेते जाना है। पहले हम छोड़ते जा रहे थे, अब इधर से 3-3 फंदे इधर लेते जाएंगे। तो आधी कली हमें ऐसे बनानी है। तो ये 6 फंदे हो गए, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हो गए। एक फंदा हमने घटा दिया था, फिर इन फंदों को ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे। फिर से यहाँ 2 का एक करेंगे, एक फंदा कम करेंगे। एक फंदा ये हो गया, ये 2, 3, 4 और 3 फंदे यहाँ से लेंगे, 5, 6, 7 और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ एक फंदा कम करेंगे, तो 2 फंदों का एक किया, तो ये एक फंदा हो गया, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 फंदे यहां से लेंगे, 7, 8, 9 यहीं से वापस पलट जाएंगे और इस सिलाई को पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। फिर से यहाँ 2 फंदों का ऐसे एक करेंगे, ऐसे यहाँ इस पट्टी को ऐसे रख के इसको ऐसे घुमा देंगे, ऐसे रोल कर लेंगे। एक फंदा हमारा घटाने से हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5,
सात आठ, तीन फंदे यहाँ से लेंगे, नौ दस और ये ग्यारह, और यहीं से वापस पलट जाना है। तो इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह फ्रेंड्स यहाँ से एक एक फंदा घटाते हुए और इधर से तीन तीन फंदे इधर लेते हुए मैं लास्ट तक सारे फंदे ले लेती हूँ, और जो सारे फंदे हमने बढ़ाए थे वो सारे घटा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एक एक फंदा कम करते हुए और इधर तीन तीन फंदे इधर लेते हुए मैंने यहाँ तक सारे फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास ये फिर से दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह बीस इक्कीस फंदे हो गए हैं। तो ये कली यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो जैसे फ्रेंड्स ये कली बनाई है वैसे ही इस कलर को चेंज करके हमें यहाँ दूसरा कलर लगाना है, इस कलर को लगाना है। तो वैसे ही इस कलर से जैसे एक पट्टी कली बनाई है वैसे ही बनानी है। तो यहाँ से कलर चेंज करना है और सारे फंदे इस कलर से बना लेंगे। तो अब ये सारे फंदे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेनी है सिलाई। एक सिलाई कलर चेंज करने के बाद उल्टी उल्टी बना ली है। अब यहाँ से जैसे मैंने यहाँ से आपको शुरू करके बताया था वैसे ही यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे और सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, लास्ट में फिर से तीन फंदे छोड़ देंगे। तो कुछ नहीं करना है हमें, एक साइड फंदा बढ़ाना है इस साइड और लास्ट में तीन तीन फंदे छोड़ते जाना है। यहाँ तीन फंदे छोड़ देंगे और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को सारा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये कली मैंने आपको पूरी बना के दिखा दी है और ये शुरू करके बता दी है। तो जैसे ये कली बनाई है फ्रेंड्स वैसे ही बाकी की कलियाँ बनानी है। छह कली में ये डोरमेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप भी ये डोरमेट डिजाइन बनाएं फ्रेंड्स और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये डोरमेट डिजाइन कैसे लगा। थैंक यू।